बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम में कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा अपनी ज़िंदगी में, मगर कोई फिर भी यकीन नहीं करता। यहाँ तक कि तुम्हारे अपने भी, जिन पर तुम्हें बेहद यकीन होता है, वो भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करते। दोस्तों, इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि ये दुनिया कहने वालों के पीछे नहीं चलती, बल्कि दिखाने वालों के पीछे चलती है। मैं ये नहीं कहता कि जो कहने वाले कुछ नहीं कर सकते, मगर एक बार अपनी तरफ देखो, थोड़ा बोलो और ज़्यादा काम करके दिखाओ, अपने काम में जुड़ जाओ, और तुम थोड़े ही दिनों में देखोगे कि लोग बगैर बोले तुम्हारी बातें भी समझेंगे और तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, तुम्हारी बातों पर यकीन भी करने लगेंगे। इसलिए कहते हैं, ज़्यादा बोलना तुम्हारे काम से ज़्यादा भारी पड़ जाता है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो काम में लग जाओ। ज़्यादा बोलना, लोगों को बड़ी बड़ी बातें सुनाना, इसमें अपना वक्त ज़ाय मत करो। आज अभी इसी वक्त अपने अंदर कम बोलने की आदत बना लो। तुम अपने आसपास के लोगों में कामयाब और इज्जतदार बन जाओगे। तुम कम बोलने और ज़्यादा सोचने की कोशिश करो और इस सोच को अमली शक्ल दो। अगर तुम सोचते हो कि ज़्यादा बोलने से तुम लोगों को अपनी बातें अच्छी तरह से समझा सकते हो, तो ये तुम्हारी सोच गलत है। अपनी शख्सियत को इस कदर निखार दो कि लोग तुम्हारे अंदाज से तुम्हारे मकसद समझ जाएं और तुम्हारी बात को ज़्यादा गौर से सुने। अमल करने की कोशिश करो और तुम इस खामोशी को मज़ा लो। तुम्हें सबसे ज़्यादा सुकून मिलने का जिस काम को तुम खामोशी से करोगे, वो बोलने से ज़्यादा बेहतर होगा। तुम्हारे दिल की गहराइयों से निकल कर बाहर आएगा, फिर तुम्हें खामोशी पसंद बन जाओगे। कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक उसी तरह जो ज़्यादा बोलते हैं वो भी कुछ कर नहीं सकते। बेहतर यह है कि तुम गरजने वाले नहीं, बरसने वाले बनो। खामोश रहकर अपने इर्द गिर्द के माहौल को महसूस करो और उनको समझने की कोशिश करो। अपने अंदाज़ को बदलो और इसका फ़ायदा उठाओ, और ये आदत तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, और ये आदत तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा तब्दील कर सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।